महंगी गाड़ियां, शहाना तर्ज जिंदगी और पीपल्स पार्टी के जियालों के साथ साथ नजर आने वाला मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह का शौहर भत्ताखोरी और मंशियात फरोशी में मुलविस बरतरफ सिपाही निकला। जी हां, निजी टीवी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हरीम शाह के शौहर बिलाल शाह को जुराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस होने पर सिंध पुलिस से 1 अक्टूबर 2021 को बरतरफ किया गया। हरीम शाह के शोहर बिलाल शाह के खिलाफ स्पेशल ब्रांच ने खुफिया रिपोर्ट में भत्ता जमा करने, मंशियात फरोशी, मसाज सेंटर से भत्ता वसूल करने का इंकशाफ किया है। बिलाल शाह डिफेंस 6 मुस्लिम कमर्शियल और खियाबान बुखारी में शाम के औकात काली वीगो गाड़ी में मुख्तलिफ होटलों में होता था। रिपोर्ट में मजीद दावा किया गया है कि बिलाल शाह कयूमाबाद की कच्ची आबादी का रिहायशी है, कुछ माह कबल ही डिफेंस में रिहायश इख्तियार की। बिलाल शाह बतौर कांस्टेबल बिलावल हाउस में रहा, जिस पर इसने अपनी तस्वीर कई अहम शख्सियात के साथ बनवाई। अफसरान भी इस बात पर हैरान हैं कि बिलाल शाह के पास वीको जैसी महंगी गाड़ी और महंगी घड़ी कहां से आई, और बिलाल शाह के शहाना अखराजात पर भी पुलिस अफसरान को तश्वीश थी। ख्याल रहे कि हरीम शाह ने 28 जून को पीपी रहनुमा से शादी का दावा किया था। हरीम शाह ने अगरचे पीपल्स पार्टी के रहनुमा से शादी का दावा किया था, लेकिन उन्होंने किसी भी सूबाई वजीर या रुकने असम्बली का नाम नहीं लिया था। इनके दावे के बाद पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमाओं के साथ सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर शेयर की गई। बाद अज़ां हरीम शाह ने एतराफ़ किया कि इनकी शादी किसी सूबाई वजीर से नहीं बल्कि बिलाल शाह नामी शख्स से हुई है।